हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका। और आज की जो वीडियो है मीशो हॉल पे होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपसे बेडशीट्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और इस बेडशीट्स को मैंने विंटर को ध्यान में रखते हुए मंगाया है। थोड़े से गर्म बेडशीट्स हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आपके यहाँ ठंड पड़ती है तो आप इन बेडशीट्स को अपने बेड्स पर बिछा सकते हैं, ताकि जो हम कॉटन की बेडशीट बिछाते हैं तो काफ़ी ठंडी ठंडी रहती है। जब हम इस तरह का कुछ बेडशीट बिछाते हैं तो जो बेडशीट हमारी रहती है वो एकदम गर्म रहती है, तो वो काफ़ी अच्छा फील कराती है हमें जब हम सोने जाते हैं बेड पे। और इनको मैंने इसी विंटर को ही ध्यान में रखते हुए इन बेडशीट्स को ऑर्डर किया है। ये जो है वेलवेट काइंड का मटेरियल है। देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट वर्थ बाइंग है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। और इन सारे बेडशीट्स को मैंने जो है 600 दरी परचेज किया है। आइए देखते हैं कि क्या इन बेडशीट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें बहुत ही सारा अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ, हमारा काम आपको पसंद आया। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्स्ट जो बेडशीट है उसे हम पहले ओपन करके देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छे से नाइसली पैक होके ये बेडशीट मुझे रिसीव हुई थी, आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये चेन वाला बैग भी आपको मिल जाता है, पॉली बैग, जिसमें आप अपने बेडशीट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। आइए हम इसे ओपन कर लेते हैं। और मुझे इसका कलर और डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इस बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। और इसके ये डबल बेडशीट है। मैं आपसे जो बेडशीट शेयर करने वाली हूँ डबल बेड की बेडशीट्स हैं। और इसके साथ आपको दो पिल्लो कवर भी मिल जाता है। बहुत ही सारी डिजिटल प्रिंटिंग वाली बेडशीट मिलेंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो पोस्टर्स हम देखते हैं उन्हीं पोस्टर्स को जो है इस पर डिजिटल प्रिंटिंग की गई है। और देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग है, मतलब बिल्कुल आई कैचिंग प्रिंटिंग की गई है इस पे, कि जब आप बेड पे बिछाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। लेकिन देखते हैं जिस पर्पस के लिए मैंने इसे परचेज किया है, क्या वो ये पर्पस सॉल्व करता है या फिर नहीं करता है। बेडशीट को भी मैं ओपन करके आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैं बेडशीट को आपको बेड पे लगा के भी दिखाऊंगी, क्या इसकी साइज किंग साइज के बेडशीट के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। और आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बेडशीट है। सबसे पहले हम पिल्लो कवर को ओपन करके देख लेते हैं। और पिल्लो कवर पे जो प्रिंटिंग है आप देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग है, बिल्कुल पेंटिंग स्टाइल में इसकी प्रिंटिंग की गई है, आप देख सकते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस प्रिंटिंग की वजह से ही इसे ऑर्डर किया था। और इस पर यह भी था कि हाँ, ये थोड़ा सा गर्म फैब्रिक है, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। कि और इसकी प्रिंटिंग तो सोने पर सुहागाई मुझे लगी। और बहुत सारी प्रिंटिंग है, टेडी बियर्स हैं, बहुत सारे और भी इसमें आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे बहुत। और जो इसका फैब्रिक है, इन्होंने क्लेम किया है कि वेलवेट काइंड का फैब्रिक है, लेकिन ये जो फैब्रिक है वेलवेट का नहीं है। वेलवेट का फैब्रिक तो थोड़ा सा अलग फैब्रिक होता है, ये वेलवेट का फैब्रिक नहीं है। आप पास से एक बार देख लीजिए। और मुझे नहीं पता इस फैब्रिक को एग्जैक्ट क्या कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गर्म वाला फैब्रिक है। हाँ, ये हल्का गर्म करेगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैंकेट वाला, जो पतले वाले एकदम ब्लैंकेट आते हैं, वही वाला ब्लैंकेट यूज़ किया गया है। और आपको यहाँ पर एक जिप मिल जाती है, जिससे पिल्लो इसमें आप डाल के उसके बाद उस जिप को लगा सकते हैं। तो क्वालिटी की बात की जाए तो पिल्लो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जिप भी प्रोवाइड की गई है और इसका फैब्रिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये प्रिंटिंग तो मस्त है ही, आप देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से है। डाउन वाला पोर्शन है वो बिल्कुल ब्लैंकेट वाला ही है, आप देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से है, ब्लैंकेट वाला ही फैब्रिक है। लेकिन जो ये बीच में डिजिटल प्रिंटिंग की गई है, इसके मुकाबले जो है ये थोड़ा सा कम गर्म है। मैं क्लियर कर दे रही हूँ फ्रेंड कि ये जो है कम गर्म करेगा इसके में, क्योंकि ब्राउन वाला जो है बिल्कुल जो पतले वाले ब्लैंकेट आते हैं वही वाला फैब्रिक है। यहाँ पे हल्के से प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा सा दूसरा मटेरियल इसमें मिक्स किया गया है, ताकि प्रिंटिंग बिल्कुल उभर के आए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे दोस्तों। और इस बेडशीट को मैंने किंग साइज बेड पे बिछा दिया है, आप देख सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात की जाए तो बहुत सारा कपड़ा एक्स्ट्रा, जिसे आप आराम से जो है मोटे गद्दे में भी इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लेंथ और चौड़ाई का ये बेडशीट है। और देख बिछने पे आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये बेडशीट। नेक्स्ट जो बेडशीट है उसे भी हम ओपन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट जो बेडशीट है वो भी मुझे इसी तरह से पैकेजिंग में ही रिसीव हुई है।
और इसमें भी अगेन चैन वाली ही बैग प्रोवाइड की गई है, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। और ये है वो बेडशीट, इसके साथ भी आपको दो पिल्लो कवर मिल जाता है। इस बेडशीट की जो प्राइस है, जो मैंने आपको फर्स्ट बेडशीट दिखाई है उससे थोड़ी सी कम है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसकी कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और इसका सबसे पहले हम पिल्लो को देख लेते हैं। इसका पिल्लो इस तरह से है फ्रेंड्स, पिल्लो पे ये जो प्रिंटिंग की गई है आप देख के समझ सकते हैं कि बेड पे सेम इसी तरह की प्रिंटिंग जो है की गई है, बिल्कुल सेम इसी। मैंने इसे एकदम ब्लड रेड में ऑर्डर किया है और मुझे इसका प्रिंटिंग जो अगर बात की जाए, जो इसका कलर कंट्रास्ट है या कॉम्बिनेशन है, काफ़ी फास्ट कलर का यूज़ किया गया, बिल्कुल भी डल नहीं है कहीं से, इस तरह से है। बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड में पूरा प्लेन है और यहाँ पर आपको जो है चेन प्रोवाइड की गई है पिल्लो को इंसर्ट करने के लिए। सेम इसी तरह से ये पूरी बेडशीट है। मैं बेडशीट अभी ओपन नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बेडशीट को खोल के दिखाने का अभी कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगी। इसकी डिज़ाइनिंग जब मैं बेडशीट पे बेड पे बिछा के दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या इसकी प्रिंटिंग आने वाली है। और इसका भी जो किनारे वाला फैब्रिक है वो जो है, ये भी वेलवेट नहीं है, लेकिन साइड पर मेंशन था कि वेलवेट वाला ही फैब्रिक आपको आएगा, लेकिन वेलवेट नहीं है, लेकिन गर्म बेडशीट है। लेकिन ये वाली जो बेडशीट है रेड वाली जो है, इसकी जो गर्म की क्वालिटी है, जो इसकी जो क्वालिटी है इस वाली बेडशीट की क्वालिटी से लो क्वालिटी है, और मुझे नहीं लगता ये उतना वार्म करेगा या उतना गर्म करेगा, क्योंकि बिल्कुल ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। और ये जो है इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी गर्म फील हो रहा है। इस बेडशीट को मैं आपको बिछा के दिखा दूंगी कि इसका लुक कैसे आने वाला है, लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत कम ठंड पड़ती है या फिर आप ठंड के पर्पज़ से इसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सुहाना सा अगर आपके यहाँ मौसम रहता है तो उसमें आप ये बेडशीट को बिछा सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरी आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।